नहीं, ये कोई हॉलीवुड की फिल्म नहीं। इस फिल्म के किरदार और बनाने वाले वो लोग हैं जिनका एहसान आज बॉलीवुड वाले न सिर्फ भूल चुके हैं बल्कि इनका जब जब जिक्र हुआ तब कहा गया, कौन है नाडिया, कौन है होमी वाडिया। आज मैं आरजे अनामिका आपको सुनाऊंगी कहानी उस दौर की जब प्रेम कहानियां, सस्पेंस, थ्रिलर वाले फिल्मों के अलावा कुछ हट के बनाया जाता था। 1935 से लेकर 1950 तक उन लोगों का टैलेंट चमकता था। वारिया मूवीटोन कंपनी अपने एक्शन फिल्मों के लिए मशहूर थी और इस कंपनी की कर्ता धर्ता होमी वारिया अपने हट के कॉन्सेप्ट के लिए जाने जाते थे। पर होमी वारिया के सोच को पर्दे पर लाना अपने आप में जोखिम वाला काम था और इस काम को अंजाम देने के लिए फिल्म जगत में नीली आंखें, सफेद काया और दमदार कलाकार थी जिसका नाम था फियरलेस नाडिया। आओ, सबसे पहले हम इस जहालत के भूत का नाश कर डाले जो हमारी तरक्की की राह में कांटा बना हुआ है, जिसके सबब आज हम सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक दृष्टि से दूसरे देशों से बहुत ही पीछे हैं। इसीलिए हमारा फर्ज है कि हम सब मिलकर हमेशा के लिए जहालत की हथकड़ी को तोड़ दें। एक दिन नाडिया स्टंट सीक्वेंस कर रही थी। स्टंट करते वक्त उनको गंभीर चोट लगी। ये देख होमी साहब ने उनका नाम फियरलेस नाडिया रखा। वो एकमात्र हीरोइन थी जो चलते ट्रेन से कूदने वाले सीन्स पे धड़क कर लेती थी और ये देख क्रू मेंबर्स के रोंगटे खड़े हो जाते थे। यही नहीं, तलवारबाजी, कूदने वाले सीन, फाइट सीन, घुड़सवारी, ये सब ड्यूप्लीकेट एक्टर्स के बिना करने वाली नाडिया को आज शायद ही कोई याद करता होगा। 8 जनवरी 1908 को मैरी इवांस के रूप में नाडिया का जन्म ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुआ। उनके पिता स्कॉटिश थे और माँ ग्रीक। मैरी बहुत छोटी थी जब वे भारत आई। उनके पिता हेबर्ट इवांस ब्रिटिश सेना में स्वयं सेवक थे और इसीलिए मैरी का बचपन भारत में ही बीता। माता पिता ने नाडिया को डांस और सिंगिंग सिखाया। उनके पिता ने उन्हें एक नन्ना घोड़ा दिलाया जिस पर नाडिया सवारी किया करती थी। धीरे धीरे उन्हें हिंदी भी आने लगी। पर पहले विश्व युद्ध में उनके पिता मारे गए और माँ के साथ नाडिया पेशावर से मुंबई आई। मुंबई में रहकर उन्होंने एक सर्कस कंपनी में काम किया। क्रू मेंबर्स के साथ नाडिया ने भारत के काफी शहरों को करीब से देखा। एक दिन एक ज्योतिष के कहने पर उन्होंने अपना नाम मैरी से बदल कर नाडिया रख लिया। नाडिया ने खुद को एक बेहतर जिमनास्ट के तौर पर भी तैयार किया। लोग उनके साहसी कारनामे और स्टंट देखकर हैरान हो जाते थे। लाहौर के एक सिनेमा मालिक एरुज कंगा ने जब उनकी परफॉर्मेंस देखी तो वो तुरंत उससे प्रभावित हो गए। कंगा ने नाडिया की मुलाकात वारिया मूवीटोन के मालिक जेबी वारिया और होमी वारिया से करवाई। नाडिया की खूबसूरती और नीडर स्वभाव से प्रभावित होकर वारिया ने उन्हें एक मौका देने का फैसला किया। देश दीपक और नूरे यमन में नाडिया को छोटी भूमिकाओं के लिए कास्ट किया गया। देश दीपक में नाडिया ने एक गुलाम का किरदार निभाया तो नूरे यमन में एक राजकुमारी का। दोनों ही फिल्मों में नाडिया का किरदार दर्शकों के दिल में घर कर लिया। इसके बाद वारिया प्रोडक्शन हाउस को नाडिया की काबिलियत पर भरोसा हो गया और नाडिया के करियर ने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ लिया। प्रोडक्शन हाउस ने नाडिया को हंटर वाली फिल्म में मुख्य नायिका के तौर पर बड़े पर्दे पर उतारने का फैसला किया। अगले एक दशक में नाडिया ने लगभग 50 फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई और सभी में उन्होंने खुद ही सारे स्टंट किए। झूमर से झूलने, पहाड़ों से कूदने से लेकर चलती ट्रेन पर लड़ना और शेर चीतों से दोस्ती करना,
ये सब नाडिया ने बहुत ही आसानी से किया, जबकि उस समय के पुरुष कलाकार भी इस तरह के स्टंट कर नहीं पाते थे। अपने हर एक किरदार में नाडिया ने सच और न्याय की लड़ाई लड़ी और साथ ही उनके खतरनाक स्टंट और विदेशी कॉस्ट्यूम ने भारतीय दर्शकों को प्रभावित किया। होमी वारिया के साथ इतने साल गुजारने के बाद नाडिया ने 53वें उम्र में होमी साहब से शादी कर ली और अपने जीवन के बाकी साल इन दोनों ने चैन से गुजारे। ना फिल्म फंक्शन में जिक्र होता था, ना कोई अवार्ड मिलता था, पर होमी साहब और फियरलेस नाडिया ने उस जमाने में दर्शकों को असली एंटरटेनमेंट दिखाया। साल 1968 में 60 वर्ष की उम्र में नाडिया ने होमी वारिया की फिल्म खिलाड़ी में एक जासूस की भूमिका निभाई। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, इस दमदार नायिका की विरासत कहीं धुंधली सी पड़ गई और 9 जनवरी 1996 में फियरलेस नाडिया ने 88वें उम्र में दुनिया से विदा ले लिया। मैं इंसाफ और इंसाफ के मालिक से सिर्फ इतना ही अर्ज करती हूँ कि मरने वाले को दम तोड़ने से पहले पानी पिलाना चाहिए या डॉक्टर की इजाजत के बाद। क्या जागीरदार साहब, आप ये बता सकते हैं कि शहर छोड़कर गरीब नगर में आकर इन गरीबों से जमीन खरीदने की आपको कौन सी जरूरत पड़ी? सरकार, वो तो सिर्फ इन नंगे भूखे गाँव वालों की मदद के लिए। मदद के लिए? या महाराज यहाँ से रेलवे लाइन निकालना चाहते थे उस मौके से फायदा उठाने के लिए? राधे श्याम, सरकार इसकी जबान रोकिए, ये मेरी इज्जत पर हमला कर रही है। क्या इसी का नाम इज्जत और शराफत है कि तुमने धोखे से रानी को घर बुलाकर इसकी इज्जत लूटने की कोशिश की? झूठ, बिल्कुल झूठ सरकार। क्या ये भी झूठ है कि तुमने मेरे भाई जगू को रेलवे लाइन पर बंधवा कर इसे मौत के घाट उतारना चाहता था या नहीं? झूठ, बिल्कुल झूठ। मेरा घर जलाकर मेरी माता की जान तुम्हारे आर्मी ने लिया नहीं? मैंने सब ये अत्याचार किए? राधेश्याम जागीरदार जी, फिल्म जगत की कही अनकही कहानियां सुनाने मैं आपकी आरजे अनामिका आती रहूंगी। तब तक के लिए हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करिए और इस अनसुनी कहानी को लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।